लाइव स्कोर पवेलियन प्ले डॉट कॉम पे देख सकते हैं। कुछ ही मिनटों बाद टॉस किया जाएगा पहला मैच का, जो खेला जाएंगे परे टोर्नेडो वर्सेस परे टाइटंस के बीच। देखना बहुत ही जरूरी होगा दूसरा मैच का विजेता कौन होंगे। और मैं बता दूं, कल हॉर्नबिल T20 ट्रॉफी का पहला मैच खेला गया था पापुम रॉयल वर्सेस पोमा ट्राइडेंट्स के बीच। पहला मैच का विजेता रहे थे पापुम रॉयल, जिन्होंने 12 रन से पहला मैच को जीता। खूबसूरत AB क्रिकेट ग्राउंड दोईमुख इमची में स्वागत है। जितना ही खूबसूरत ग्राउंड उतना ही खूबसूरत मैच हमें देखने को मिलेंगे। आज दिन का दूसरा मैच हॉर्नबिल T20 ट्रॉफी का, पावर्ड बाय पवेलियन एंड इवेंट पार्टनर प्रोबो। आप इस मैच को लाइव घर बैठे बैठे पवेलियन टीवी पे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल होंगे। जी हाँ, पहला मैच का हॉर्नबिल T20 ट्रॉफी का डे टू का टॉस। हमारे साथ मैच रेफरी तिची गागुंग जी और तिची नेरी, जो कि टीम कप्तान, और तिची तेशी तीकू। कॉइंस तैयार है टॉस के लिए। जी हाँ, देखना होगा कॉल्स। जी हाँ, तो उसका रिजल्ट मैं आपको बता दूं, परे टोर्नेडोस ने टॉस जीत कर पहला बल्लेबाजी करने का फैसला किया। कुछ ही मिनटों बाद आज का दिन का दूसरा मैच का पहला मैच खेला जाएंगे परे टोर्नेडो वर्सेस पंजोर टाइटंस के बीच। परे टोर्नेडोस ने टॉस जीत कर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। देखना जरूरी होगा आज दिन का दूसरा मैच किस टीम विजेता बनेंगे। मैं फिर से बता दूं, हॉर्नबिल T20 ट्रॉफी का दूसरा मैच का दूसरा दिन का दूसरा मैच आज खेला जाएगा परे टोर्नेडो वर्सेस पान्योर टाइटन के बीच। पावर्ड बाय पवेलियन एंड इवेंट पार्टनर प्रोबो। यू आप इस मैच को घर बैठे बैठे पवेलियन टीवी पे आनंद उठा सकते हैं, जो कि यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल होंगे।
आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पहले हॉर्नबिल T20 ट्रॉफी में, पावर्ड बाय पवेलियन और इवेंट पार्टनर प्रोवो। मैं शुक्रिया करना चाहूँगा अपने स्पॉन्सर्स बेवरेज एंड ड्रिंक पार्टनर कैराली एंड एक्स्ट्रा पावर, निगला ग्रुप, प्रोवो एंड पवेलियन। आज का पहला मैच पारे टोर्नेडोज वर्सेस पानिया टाइटंस के बीच कुछ ही देर में खेला जाएगा। पारे टोर्नेडोज ने पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। देखना होगा किस तरीके की बल्लेबाजी करते हैं और दोनों ही टीमें तैयार आज के इस मुकाबले के लिए। आप इस मैच को लाइव YouTube पे pavilion.tv पर भी देख सकते हैं, जिसका लाइव प्रसारण सीधा पवेलियन टीवी पे प्रसारित किया जाएगा।
स्वागत है हॉर्नबिल टी ट्वेंटी ट्रॉफी में। दिन का दूसरा मैच का आज पहला मैच खेलेंगे परे टोर्नेडोस वर्सेस पंजोर टाइटन के बीच। कुछ ही सेकेंड्स के बाद हमारे मैच शुरू किया जाएगा। आज देखना बहुत ही ज़रूरी होगा दूसरा दिन का पहला मैच का विजेता कौन रहेगा। मैं बता दूं परे टोर्नेडोस ने इस टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। और मैं बता दूं इस मैच को आप पवेलियन टीवी पे लाइव देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल रहेंगे और आप इस मैच को लाइव स्कोर भी ट्रैक कर सकते हैं पवेलियन प्ले डॉट कॉम पे। और मैं बता दूं पारे टोर्नेडोस के प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार है। टिची सोनम, टेसी टिकू, याब दोदुम, तना जेम्स, नाबम इंडिया, तम हिना, संगम लोमा, नाबम ताकम, तोको तारक, निशांत कुमार, गौतम यादव, सुमन गर्जत और पंजर टाइटन्स के प्लेइंग 11 में बता दूं तिची नेरी, तिची तारुम, नाबम टेम्पोल, टीएनसी तासर, नाबम हाचंग, ताना बालुम, पोल किनो, तिची राधे, राहुल चौधरी, अभिषेक शर्मा, अक्षय सिंह। हमारे दोनों ही अंपायर मैदान पे प्रवेश कर चुके हैं। कुछ ही मिनटों बाद मैच शुरू होंगे। वेलकम टू द हॉर्नबिल T20 ट्रॉफी डे टू पावर्ड बाय पवेलियन एंड इवेंट पार्टनर प्रोबो। यू आर वाचिंग लाइव ऑन पवेलियन टीवी यूट्यूब चैनल। ऑल्सो यू कैन ट्रैक द लाइव स्कोर ऑन पवेलियन प्ले डॉट कॉम। मैं बता दूं कल दिन का टूर्नामेंट का पहला मैच खेला गया था पाबम रॉयल वर्सेस पोमा ट्राइडेंट्स के बीच। पाबम रॉयल 12 रन से कल के पहला मैच को जीता था। और यहाँ आज का सलामी बल्लेबाज मैदान पे प्रवेश कर रहे हैं परे टोर्नेडोस, जिन्होंने टॉस जीतकर पहला बल्लेबाजी करने का फैसला किया। देखना होगा पहला इनिंग में कितने रन बना पाते हैं। मैं फिर से बता दूं इस मैच को आप घर बैठे बैठे इस मैच को लाइव आनंद उठा सकते हैं। यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल होंगे। दोनों ही सलामी बल्लेबाज क्रीज पे प्रवेश कर चुके हैं। स्ट्राइक लेंगे टिची नेरी और नॉन स्ट्राइक एंड पे अक्षय। गेंदबाजी में तना जेम्स युवा खिलाड़ी, देखना होगा किस तरह की गेंदबाजी करेंगे तिचिनेरी के खिलाफ। तिचिनेरी जो कि बहुत ही एक्सपीरियंस
खिलाड़ी है, रणजी ट्रॉफी जैसे डोमेस्टिक टूर्नामेंट खेल चुके हैं अरुणाचल क्रिकेट एसोसिएशन के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। तना जेम्स तरह पहला इनिंग का पहला ओवर का पहला गेंद डालेंगे। जी हाँ, खूबसूरत गेंद अंदर आती हुई थोड़ी चीनेरी पर नहीं पाए, अच्छी गेंद कहूंगा। इस तरह की गेंदबाजी करना होगा ताना जेम्स तरह को, एक्सपीरियंस बैट्समैन तिचिनेरी के खिलाफ। इस बार जी हाँ, डिसाइन गेंद वाइट का इशारा अंपायर द्वारा। तना जेम्स जो कि हाल ही में कोच बिहार जैसे डोमेस्टिक टूर्नामेंट खेल के आए हैं, अंडर 19 रिप्रेजेंट कर चुके हैं अरुणाचल क्रिकेट एसोसिएशन के लिए, अनुभव की कमी नहीं तना जेम्स तरह के साथ भी। अच्छी गेंद मगर यहाँ नो बॉल का इशारा। और ये पहला नो बॉल पहला इनिंग का। हॉर्नबिल T20 ट्रॉफी का दूसरा दिन आज परे टोर्नेडोस वर्सेस पंजर टाइटंस के बीच, और ये प्री हिट देखना होगा। जी हाँ, अच्छी गेंद पाइन लेग की दिशा पर, फील्डर तैनात, मात्र एक रन मिलेंगे। प्री हिट जरूर थे मगर लाभ नहीं उठा पाए। अच्छी गेंद गेंदबाजी कर रहे हैं अब तक तना जेम्स तरह। सामना करेंगे अक्षय, इस बार पुल करना चाहते थे मगर फिर से फाइन लेग की दिशा पर फील्डर तैनात, एक रन से संतोष। सुबह की समय यहाँ शायद गेंदबाजी को मदद मिलते हुए गेम हरकत शायद कर रहे हैं। इस बार जी हाँ, दिशा दिखा दी, बहुत ही फाइन खेला गया शॉट, चार रन मिलेंगे। ये पहला चौका पहला इनिंग का। जी हाँ, क्लिक कर दिया, बहुत ही फाइन खेला गया शॉट, तिची नेरी की बल्ले से भी ये पहला चौका अपने टीम के लिए। इस बार पुल कर दिया है, जानते हैं फील्डर तैनात नहीं, रेस्ट्रिक्शंस ओवर का पूरा फायदा उठाते हुए तिची नेरी दूसरा चौका तिची नेरी के बल्ले से, और दूसरा इनिंग का भी पहला चौका रहेगा। अच्छा शॉट, जानते हैं अनुभव की कमी नहीं तिची नेरी के पास। इस बार जी हाँ, एक रन जरूर मिलेंगे। और इसी एक रन के साथ पहला ओवर की समाप्ति। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ वन ओवर स्कोर मूव्स ऑन 13 रन, लॉस्ट ऑफ 0 विकेट। बारह रन आए, माफी चाहूंगा 13 रन आए
पहला ओवर से करंट रन रेट 13.0 का। नाबम इंडिया आए हैं दूसरा ओवर लेके। नाबम इंडिया युवा खिलाड़ी है, अंडर 19 रिप्रेजेंट कर चुके हैं अरुणाचल क्रिकेट एसोसिएशन के लिए। देखना होगा किस तरह की गेंदबाजी करेंगे चिन्नेरी के खिलाफ। पहला गेंद डालेंगे अपना, सामना करेंगे तिची नेरी। अच्छी गेंद, तिची नेरी का विकेट जल्द से जल्द चटकाएंगे तो पंजाब टाइटंस को बहुत ही ड्राइव कर दिया है। यहाँ मिस पील के चलते 4 रन मिलेंगे। खराब फील्डिंग, रोकना चाहिए था मगर रोक नहीं पाए। जर्सी नंबर 17 मौजूद थे मगर रोक नहीं पाए, उसी के चलते 4 रन मिलेंगे। अच्छी गेंद, इस बार अच्छी कमबैक कट करना चाहते थे तिची नेरी मगर बल्ले पे कहीं संपर्क नहीं। अच्छी गेंद इस बार, या उतनी ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, आसानी से 1 रन चुराने में कामयाब हुए। बता दूं दर्शक को, इस मैच को आप घर बैठे बैठे भी लाइव देख सकते हैं पवेलियन टीवी पे, यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल होंगे। इस बार जोरदार अपील जरूर मगर कोई इशारा नहीं। अंदर आती हुई गेंद समझ नहीं पाए अक्षय। अच्छी गेंद, इसी तरह की गेंदबाजी की उम्मीद करेंगे परे टोर्नेडोस के टीम कप्तान तिशी तिकू। माफी चाहूंगा पंजाब टाइटंस के टीम कप्तान। इस बार भी अपील जरूर मगर कोई इशारा नहीं। और इसी के साथ ही ओवर की भी समाप्ति। अच्छी गेंद, उतनी ही अच्छी विकेट कीपिंग यहाँ सांगबम लोमा। दो ओवर समाप्ति के बाद स्कोर 18 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। फिर से तना जेम्स तरह आए हैं। इस बार तो पेच लगा, 4 रन मिलेंगे। सीधा खेलना चाहते थे चिनेरी मगर तो पिच लगा और विकेट कीपर के पीछे से सीमा रेखा के बाहर 4 रन। अच्छी गेंद,
बहुत ही अच्छी सुंदर शानदार बैटिंग यहाँ चिनेरी। पन्ना जेम्स तारा जो कि अब तक 16 रन दे चुके हैं। इस बार छोटा गेंद पुल करना चाहते थे मगर दिशाएं भी वाइड का इशारा। जी हाँ, इस बार लॉन्ग ऑफ की दिशा में 4 रन मिलेंगे। खूबसूरत शॉट, खूबसूरत ड्राइव। यहाँ जानते हैं रेस्ट्रिक्शंस ओवर चल रहे हैं, तो पूरा लाभ उठाना चाहते हैं तिचिनेरी। अनुभव की कमी नहीं तिचिनेरी के पास। इस बार हल्के हाथों से खेला, आसानी से 1 रन चुराएंगे। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, दोनों ही बल्लेबाजी के बीच में। पुल करना चाहते थे मगर बल्ले और गेंद में कहीं संपर्क नहीं। अच्छी गेंदबाजी, इस बार अच्छी कमबैक। तना जेम्स तरा तना जेम्स तरा जो कि हल्की सी महंगा साबित जरूर हुआ। 23 रन दे चुके हैं अब तक। ओ, इस बार भी डिसाइन गेंद, वाइड का इशारा। एक्स्ट्रास रोकना बहुत ही जरूरी होगा पंजोर टाइटेंस को। कट करना चाहते थे मगर बल्ले पे संपर्क नहीं। सलामी बल्लेबाजी के रूप में आई हैं अक्षय और तिचिनेरी। अक्षय जो कि अपना 1 रन बना चुके हैं 5 गेंद का सामना करके। तिचिनेरी 23 रन बना चुके हैं 14 बॉल्स का सामना करके। इस बार भी बल्ला चलाया मगर फिर से बल्ले और गेंद में कहीं संपर्क नहीं। और इसी के साथ ही तीसरा ओवर की भी समाप्ति। 3 ओवर हैज बिन कंप्लीट। स्कोर मूव्स ऑन 30 रन, लॉस तो 0 विकेट। करेंट रन रेट 10 पॉइंट का पर है। टोर्नेडोस अच्छी शुरुआत के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। मैं बता दूं, आज दिन का दूसरा मैच, दूसरा दिन का दूसरा मैच खेला जा रहा है परे टोर्नेडोस वर्सेस पंजोर टाइटंस के बीच। फिर से नाबाम इंडिया, अच्छी गेंद, अपना दूसरा ओवर लेके आए हैं। आप इस मैच को घर बैठे बैठे भी लाइव देख सकते हैं। पवेलियन टीवी पे, यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल होंगे।
अच्छी गेंद, सीधा फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं। सीधा खेला है, स्ट्रेट ड्राइव, चार रन मिलेंगे। अच्छा शॉट, बेहतर कनेक्शन, गोली की तरह निकल गई, गैप में खेला गया शॉट। जी हाँ, अच्छा शॉट, यह उतना ही बेहतर कनेक्शन। इस बार अपील, जोरदार अपील, मगर कोई इशारा नहीं। अच्छी गेंद, नाबम इंडिया ने जबरदस्त अपील जरूर की, मगर कोई इशारा नहीं। अच्छा गेंद, और उतनी देखना होगा, काफी तेज रनिंग बिछुनी विकेट यहाँ दोनों ही बल्लेबाजी के बीच, आसानी से एक रन चुराने में कामयाब हुए। इस मैच का स्कोर देखने के लिए आप पवेलियन प्ले .com पे ट्रैक कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए गेंद हवा में, मगर फील्डर तैनात नहीं, इसके चलते एक रन मिलेंगे। इसके साथ ही ओवर की भी समाप्ति, फोर ओवर हैज बीन कंप्लीट, स्कोर मूव्स ऑन 36 रन, लॉस्ट ऑफ 0 विकेट। हॉर्नबिल T20 ट्रॉफी का दूसरा दिन का पहला मैच, पावर्ड बाय पवेलियन एंड इवेंट पार्टनर प्रोबो। इस बार गेंद थोड़ी देर के लिए हवा में जरूर, मगर फील्डर के बहुत ही दूर से निकल गई, इसी के चलते दो रन चुराने में सफल हुए। इसी 2 रन के साथ अक्षय का अपना निजी स्कोर 4 रन। पुल करना चाहते थे, मगर कनेक्शन उतना अच्छा नहीं, एक रन चुराने में सफल हुए। अब स्ट्राइक पे चिनेरी, तना जेम्स तरह अपना तीसरा ओवर डाल रहे हैं, 27 रन दे चुके हैं, महंगा साबित जरूर हुए, देखना होगा। अच्छी गेंद, इसी तरह की गेंद, अब आए हैं फिर से नाबम इंडिया, गेंदबाजी करेंगे, सामना करेंगे तिचिनेरी। अच्छा गेंद, टेपिन रन यहाँ, इसी 1 रन के साथ तिचिनेरी ने अपना 40 रन बनाया केवल 24 बॉल्स में।
इस बार भी गेंद हवा में जरूर, मगर अक्षय यहाँ बार बार बल्ला चला रहे हैं, मगर कनेक्शन बेहतर नहीं। टचिनेरी यहाँ बताते हुए इस बार भी गेंद हवा में फिर से, मगर फील्डर मौजूद नहीं, इसके चलते आसानी से दो रन भी मिल जाएंगे। कनेक्शन यहाँ अच्छा नहीं अक्षय के बल्ले में, समय लेना होगा। राहुल चेक करना आउटपुट ऑडियो। इस बार भी कैच का मौका बना, गेंद बार बार हवा में, अक्षय यहां स्ट्रगल करते हुए, गेंद कनेक्ट नहीं हो रहे उसके बल्ले से। रेस्ट्रिक्शन का ये आखिरी ओवर, जी हाँ इस बार भी बल्ले और गेंद में कहीं संपर्क नहीं। जानते हैं रेस्ट्रिक्शंस का ये आखिरी ओवर है तो पूरा लाभ उठाना चाहते हैं, मगर बल्ले और गेंद में कहीं संपर्क नहीं। कोशिश लगातार बार बार जरूर कर रहे हैं, मगर सफल नहीं अब तक अक्षय। 11 रन जरूर बना चुके हैं 13 गेंद का सामना करके। अपील यहां देखना होगा, जी हां कोई इशारा नहीं। उसके साथ ओवर की भी समाप्ति, 6 ओवर हैज बीन कंप्लीट। स्कोर मूव्स ऑन 57 रन, लॉस्ट ऑफ जिनाओ 0 विकेट। कल दिन का पहला मैच का विजेता रहे थे पापुम रॉयल्स, जिन्होंने 12 रन से मैच को जीता। तो आज दूसरा दिन का पहला मैच कौन सा टीम जीतेंगे ये भी देखना बहुत ही रोमांचक होगा। पर टोर्नेडोस ने तो जीत कर पहला बल्लेबाजी करने का फैसला किया। अब आए हैं गेंदबाजी करने तो को तारक, सामना करेंगे टचिनेरी। एक रन की मांग, जी हाँ आसानी से चुरा लेंगे इसी एक रन के साथ। टचिनेरी 41 रन पे पहुंच चुके हैं 25 गेंदों का सामना करके। इस बार बाहरी किनारा चेरकानी की अपना विकेट गवा बैठे, स्ट्रगल बहुत किया अक्षय ने, मगर इस बार उनको लौटना होगा। और इसी के साथ पहला विकेट मिला बांजोर टाइटेंस को। देख ले
शानदार विकेट कीपिंग का नजारा संगम लोमा की ओर से। तोकोतरक आते ही अपना पहला विकेट चटकाने में सफल हुए। अभिषेक आए हैं अब बल्लेबाज करने के लिए। तिचिनेरी का साथ देना होगा। तिचिनेरी जो कि 40-51 रन बना चुके हैं। जी हाँ, डिजाइन यहाँ डिजाइन गेंद वाइड का इशारा। इस बार भी डिजाइन वाइड का इशारा। एक सांस यहाँ रोकना बहुत ही जरूरी तो कोतारा को। चाल के हाथों से खेला, एक रन के लिए आसानी से चुरा भी लेंगे। अब स्ट्राइक पे तिची नेरी। खेल लिया है एक रन के लिए लॉन्ग ऑफ की दिशा में। इस बार भी पॉइंट की दिशा में हल्के हाथों से खेला, एक रन के लिए आसानी से चुराने में कामयाब। तो कोतरक जो कि अब तक अच्छी गेंदबाजी की, 6 रन देकर 1 विकेट चटका चुके हैं। ड्राइव कर दिया है, 2 रन की भी मांग। जी हाँ, आसानी से चुरा लेंगे। अच्छी रनिंग बिछुन विकेट यहाँ दोनों ही बल्लेबाजी के बीच। और इसी के साथ ओवर की भी समाप्ति। नाबम तक कम आए हैं इस बार गेंदबाजी करने, अपना पहला ओवर लेके पहला गेंद डालेंगे। पुलतोस गेंद यहाँ, पॉइंट लेग की दिशा में लाभ नहीं उठा पाए खराब गेंद का। मात्र 1 रन मिलेंगे। स्ट्राइक पे तिची नेरी।
हाँ सीधा बल्ला से खेला, एक रन के लिए आसानी से चुरा लेंगे। तो चिनेरी का विकेट चटकाना बहुत ही जरूरी होगा पंजाब टाइटंस को, रनों की गति को रोकना है। तो चिनेरी 45 रन पे पहुंच चुके हैं अपना अर्धशतक से, मात्र 5 रन दूर। कट करना चाहते थे पॉइंट की दिशा पर, सीधा फील्डर के हाथों, कोई रन नहीं। इस बार कदमों का इस्तेमाल, मगर गेंद हवा में देखना होगा। जी हाँ, गलती नहीं करेंगे, आसानी से लपक लिया। तची सोनम मौजूद थे, गलती नहीं करेंगे। और इसी के साथ ये दूसरा विकेट मिला पंजाब टाइटंस को, और ये दूसरा झटका परे तोड़ने दो उसके लिए। समा चाहूँगा, कुछ टेक्निकल इश्यूज के चलते हम आपसे कमेंट्री इस पे नहीं जुड़ पाए थे। स्वागत है फिर से। तो कोतराक अपना दूसरा ओवर डाल रहे हैं, नाबम टेम्पल आए हैं अभी अभी, जो कि 6 रन बना चुके हैं। सलामी बल्लेबाजी के रूप में आए थे चिनेरी, जिन्हों अब तक क्रीज पे मौजूद 54 रन बना चुके हैं 33 बॉल्स का सामना करके। इसके साथ ही ओवर की भी समाप्ति, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 9 ओवर स्कोर मूव्स ऑन 81 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट। नाबम ताकम आए हैं अपना तीसरा ओवर, माफी चाहूंगा दूसरा ओवर डालेंगे। चिनेरी सेट बैट्समैन, जी हाँ, 1 रन की मांग की, आसानी से चुरा लिया। फिफ्टी फाइव रन पे पहुंच चुके हैं चिनेरी। नाबम टेम्पल जो कि अभी अभी आए हैं, नाबम टेम्पल के पास भी एक्सपीरियंस की कमी नहीं। ड्राइव कर दिया है, जी हाँ, 1 रन मिलेंगे। अरुणाचल क्रिकेट एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं नाबम टेम्पल। नाबम टेम्पल भी रणजी जैसे डोमेस्टिक टूर्नामेंट खेल चुके हैं, अनुभव की कमी नहीं। कदमों का इस्तेमाल, मगर 1 रन जरूर मिलेंगे यहाँ।
सामना करेंगे नवम तकम टू नवम टेम्पल। जी हाँ, इस बार मिसफील्ड आसानी से एक रन चुराने में कामयाब हुए। इस बार बेहतरीन शॉट तिचिनेरी के बल्ले से। वाह, इस बार अच्छी कमबैक, अच्छी गेंद तिचिनेरी कवर्स की दिशा में। एक रन शायद चुराना चाहते थे मगर बल्ले पे संपर्क नहीं, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 10 ओवर हैज बीन कंप्लीट, स्कोर मूव्स ऑन 91 रन, लॉस्ट ऑफ 2 विकेट। दिन का हॉर्नबिल ट्रॉफी का दूसरा दिन का पहला मैच खेला जा रहा है परे टोर्नेडोस वर्सेस पंजर टाइटंस के बीच। फिर से आए हैं तोको तारक अपना तीसरा ओवर लेके, सामना करेंगे नाबम टेम्पल। जी हाँ, एक रन जरूर मिलेंगे नाबम टेम्पल। जानते हैं तिचिनेरी सेट हो चुके हैं तो उनको स्ट्राइक पे लाना बहुत ही जरूरी। हल्के हाथों से खेला मगर इस बार तो को तारक आसानी से एक रन दे हुए थे। टूर्नामेंट का कल पहला दिन का पहला मैच खेला गया था पपुम रॉयल वर्सेस पोमा ट्राइडेंट्स के बीच। पपुम रॉयल ने 12 रन से टूर्नामेंट का पहला मैच को जीता। डिजाइन गेंद, यहां वाइट का इशारा। इस मैच को आप पवेलियन टीवी पे देख सकते हैं जो कि यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल होंगे। घर बैठे बैठे इस मैच को आप आनंद उठा सकते हैं। पुल कर दिया है, फील्डर मौजूद नहीं, सीमा रेखा के बाहर। 4 रन मिलेंगे। अच्छा शॉट यहाँ नाबम टेम्पल के बल्ले से, यह पहला चौका। पुलतोस गेंद, इस बार भी गैप ढूंढने में कामयाब हुए, उसी दिशा में फिर से 4 रन। खराब गेंद पनिश किया। जी हाँ, केवल गैप में दिशा दिखा दी नाबम टेम्पल ने तो को तरह यहाँ महंगा साबित होते हुए। इस बार जी हाँ, डिजाइन वाइट का इशारा। तेरह रन दे चुके हैं मात्र 3 गेंद डाल के तो को तारक।
इस बार जाने दिया, छेड़खानी नहीं की, जानते हैं रन आ चुके हैं। बैकफुट पे जाके हल्के हाथों से खेला, आसानी से एक रन चुराने में कामयाब हुए और इसी एक रन के साथ ओवर की समाप्ति। 11 ओवर हैज बीन कंप्लीट, स्कोर मूव्स ऑन 105 रन, लॉस्ट ऑफ 2 विकेट। हॉर्नबिल T20 ट्रॉफी का ये दूसरा दिन का पहला मैच, पावर्ड बाय पवेलियन एंड इवेंट पार्टनर प्रोवो। आप इस मैच को लाइव पवेलियन टीवी पे, यूट्यूब पे देख सकते हैं और लाइव स्कोर कार्ड देखने के लिए pavilionplay.com में इस मैच को आप घर बैठे बैठे घर पे आनंद उठा सकते हैं लाइव में। पवेलियन टीवी यूट्यूब पे अवेलेबल होंगे तो आप इस मैच को घर बैठे बैठे देख सकते हैं। स्पिनर्स लेके आए हैं टीम के कप्तान, टाइटंस के कप्तान निशांत पहला ओवर डालेंगे, अपना सामना करेंगे नाबम टेम्पल। कट कर दिया है, आसानी से एक रन चुराने में सफल हुए। स्ट्राइक भी अब तक चीने रही, 63 रन्स बना चुके हैं। निशांत अपना दो गेंद डाल चुके हैं। जी हमें बता दूं, निशांत इंडियन रेलवे के खिलाड़ी हैं जो कि एक्सपीरियंस की कमी नहीं होंगे। वाह इस बार अच्छी गेंद, मैंने पहले ही बताया था इंडियन रेलवे के लिए खेलते हैं तो एक्सपीरियंस की कमी नहीं। नाबम टेम्पल समझ नहीं पाए, बिल्डिंग में यहां बदलाव, हल्की सी बदलाव करते हुए इस बार कट किया है, आसानी से एक रन मिलेंगे। पंजोर टाइटंस वर्सेस परे टोर्नेडोस के बीच दूसरा दिन का पहला मैच। परे टोर्नेडोस ने टॉस जीतकर पहला बल्लेबाजी करने का फैसला किया। कट कर दिया है, इस बार फील्डर उसके पीछे देखना होगा, आउटफील काफी स्लो के चलते मात्र 2 रन मिलेंगे। चिनेरी एक अच्छी पारी खेलते हुए
इस बार रिवर्स स्वीप लगाने चाहते थे मगर बल्ले पे उतना अच्छा संपर्क नहीं। इसी के साथ ही ओवर की भी समाप्ति। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 12 ओवर स्कोर मूव्स ऑन 110 रन लॉस्ट ऑफ 2 विकेट। Hornbill T20 Trophy powered by Pavilion and Event Partner Provo। इस मैच को आप लाइव देख सकते हैं पवेलियन टीवी पे, यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल होंगे। दूसरा मैच दूसरा दिन का परे टोर्नेडोस वर्सेस पंजर टाइटंस के बीच देखना बहुत ही जरूरी होगा। इस मैच को कौन जीतेंगे, कल दिन का पहला मैच खेला गया था पफुम रॉयल वर्सेस पारे पोमा टाइजेंस के बीच में, पफुम रॉयल ने 12 रन से जीता। तो आज देखना बहुत ही आज देखना होगा कौन जीतेंगे दूसरा मैच का विजेता कौन रहेगा। सुमन आए सामना करेंगे नवम टेम्पल। जी हाँ, आसानी से एक रन चुरा लेंगे। सुमन अपना पहला ओवर डाल रहे हैं। चौथा गेंद यहाँ गैप में खेला, सीमा रेखा के बाहर 4 रन। अच्छा कनेक्शन और उतना ही अच्छा शॉट, बेहतरीन शॉट यहाँ तचिनेरी के बल्ले से। इसी 4 रन के साथ तचिनेरी का अपना निजी स्कोर 70 रन 43 बॉल्स में। इस बार उतार दिया है सीमा रेखा के बाहर, 6 रन मिलेंगे। अच्छा शॉट, सेट हो चुके हैं तिचिनेरी, बेहतरीन शॉट यहां। इसी 6 रन के साथ चिनेरी का निजी स्कोर 76। इस बार भी जी हाँ, बिल्डर तैनात नहीं, 4 रन मिलेंगे। यहाँ बैक टू बैक बाउंड्रीज लगाते हुए चिनेरी, एक चौके एक चक्के और फिर से अब एक चौके। चार गेंद में 15 रन दे चुके हैं सुशांत सुमन, महंगा साबित होते हुए अपना पहला ही ओवर में। इसी 4 रन के साथ चिनेरी का 80 रन, मात्र 20 रन से दूर सेंचुरीज के लिए। कट कर दिया है पॉइंट की दिशा पर, आसानी से एक रन चुराने में सफल हुए। महंगा साबित होते हुए सुमन 16 रन दे चुके हैं।
जी हाँ, चतुराई के साथ खेला, जानते हैं फील्डर सामने मौजूद नहीं, 1 रन चुराने में नाबम टेम्पल, और उसी 1 रन के साथ नाबम टेम्पल अपना 20 रन बना चुके हैं, और उसी के साथ ही 13 ओवर हैज बीन कंप्लीट। स्कोर मूव्स ऑन 127, लॉस्ट ऑफ 2 विकेट। बिल्डिंग्स में हल्की सी बदलाव करते हुए जी हाँ, 1 रन जरूर मिलेंगे। नवम टेम्पल जानते हैं, तिचिनेरी को स्ट्राइक देंगे तो बेहतर रहेगा। तिचिनेरी जो कि सेट हो चुके हैं, कट किया है, आसानी से 1 रन मिलेंगे। निशांत अपना दूसरा ओवर डाल रहे हैं, अब तक 7 रन दी। इस बार जोखिम भरा रन, कुछ भी हो सकता था यहाँ, मगर बहुत ही तेज रनिंग बिछुन दी विकेट, दोनों ही बल्लेबाजी के बीच में आसानी से 1 रन जरूर चुराया, मगर जोखिम भरा रन। सटीक थ्रो होता तो शायद कुछ भी हो सकता था। जी हाँ, इस बार भी पॉइंट की दिशा पर फील्डर तैनात, मात्र 1 रन मिलेंगे। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं निशांत, सिंगल्स आ जरूर रहे हैं मगर चौके छक्के रोकने में अब तक कामयाब। कट किया है, इस बार 2 रन की मांग। जी हाँ, आसानी से चुराने में कामयाब हुए। खेल दिया है बैक टू जाके, इस बार भी 2 रन की मांग। जी हाँ, सिंगल डबल्स के साथ यहाँ रन चुराते हुए नाबम टेम्पल, उसी 2 रन के साथ ही ओवर की भी समाप्ति। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 14 ओवर, स्कोर मूव्स ऑन 135, लॉस्ट ऑफ 2 विकेट। टिचिनेरी जो कि सलामी बल्लेबाजी बल्लेबाज के रूप में आए थे, अब तक क्रीज पे मौजूद, 83 रन बना चुके हैं 47 बॉल्स का सामना करके, उसका साथ दे रहे हैं नाबम टेम्पल, 26 रन बना चुके हैं 20 बॉल्स का सामना करके। गेंदबाजी के लिए आए हैं गोलो,
जी हाँ, एक रन की मांग आसानी से चुरा लिया। गोलोसेरा आए हैं, अपना पहला ओवर डाल रहे हैं। अच्छी गेंद, स्टंपिंग का मौका जरूर बना मगर दिशाइन गेंद भी वाइड का इशारा अंपायर द्वारा। स्टंपिंग का मौका जरूर बनाता मगर बाल बाल बचे नाबम टेम्पल। इस बार उतार दिया है फील्डर के ऊपर से, सीमा रेखा के बाहर, चार रन मिलेंगे। जी हाँ, गेंद को देखा, समय लिया और फील्डर के ऊपर से खेल दिया। जानते हैं स्क्वायर लेग के फील्डर अंदर है तो उसके ऊपर से खेल लिया चार रन के लिए। बुलतोस गेंद मगर यहाँ ड्राइव लगाया सिंगल्स के लिए, आसानी से एक रन चुरा लेंगे। उसी एक रन के साथ ही नाबम टेम्पो भी अपना 31 रन बना चुके हैं 22 गेंदों का सामना करके। अब स्ट्राइक पे सेट बैट्समैन तिची नेरी। जी हाँ, एक रन की मांग चुराने में सफल। अच्छी फील्डिंग है। हाँ, गोलोसेरा अपना पहला ओवर डाल रहे हैं, 9 रन दे चुके हैं। सामना करेंगे तिचिनेरी। पुलतोस गेंद मगर सिंगल्स जरूर मिलेंगे। और इसी सिंगल्स के साथ ही ओवर की भी समाप्ति। 15 ओवर हैज बीन कंप्लीट, स्कोर मूव्स ऑन 145, लॉस्ट ऑफ 2 विकेट। और इसी के साथ ड्रिंक्स ब्रेक। हॉर्नबिल T20 का ट्रॉफी का दूसरा दिन का ये पहला मैच, पावर्ड बाय पवेलियन एंड इवेंट पार्टनर फोवो। आप इस मैच को लाइव देख सकते हैं पवेलियन टीवी पे, यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल होंगे। और साथ ही साथ आप इस मैच को लाइव स्कोर कार्ड देखने के लिए ट्रैक कर सकते हैं pavilionplay.com पे। मैं बता दूं, आज दिन का दूसरा दिन का पहला मैच खेल रहे हैं परे टोर्नेडोस वर्सेस पंजर टाइटेंस के बीच। परे टोर्नेडोस ने इस मैच को जीतकर पहला बल्लेबाजी करने का फैसला किया। 15 ओवर खेल चुके हैं, 145 रन बनाए, 2 विकेट खोकर। चिनेरी सलामी बल्लेबाजी के रूप में आए थे जो कि अब तक क्रीज पे मौजूद 86 रन बना चुके हैं 50 गेंदों का सामना करके। नाबम टेम्पल उसका साथ दे रहे हैं, 32 रन बना चुके हैं 23 बॉल्स खेल के। अब यहाँ से देखना होगा कितना टारगेट सेट कर पाते हैं
परे टोर्नेडोस, हालांकि अब तक अच्छी स्कोर जा रहे हैं परे टोर्नेडोस के स्कोर बोर्ड में। 145 रन बना चुके हैं 2 विकेट गवाकर। मैं फिर से बता दूं, आप इस मैच को घर बैठे बैठे लाइव आनंद उठा सकते हैं। पवेलियन टीवी पे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल रहेंगे। कल इस टूर्नामेंट का पहला मैच खेला गया था पफम रॉयल वर्सेस पुमा ट्राइडेंट्स के बीच में। पहला मैच का विजेता रहा पफम रॉयल, जिन्होंने 12 रन से पहला मैच को जीता। स्वागत है फिर से आप सभी का ड्रिंक्स ब्रेक के बाद। निशांत अपना तीसरा ओवर डाल रहे हैं, डालेंगे तीसरा ओवर का ये अपना पहला गेंद। जी हाँ, इस बार हल्के हाथों से खेला, 2 रन की मांग। जी हाँ, यहाँ अपील जरूर। जी हाँ, थर्ड अंपायर चेक करेंगे। देखना होगा नवम टेम्पल क्रीज पे पहुंच गए थे कि नहीं। जी हाँ, यहाँ आउट का इशारा थर्ड अंपायर की ओर से। बहुत ही करीबी, यहाँ तो चिनेरी को लौटना होगा। 86 रन बना चुके थे, मात्र 14 रन दूर थे अपने अर्धशतक से। इसी के साथ तीसरा विकेट मिला पान्योर टाइटंस को। नवम हचंग आए हैं, इस बार सीधा पिल्लर के हाथों मार गए थे नवम हचंग। आते ही अपना काता नहीं कॉल पाए। अब हम आचंग अपना काता नहीं खोल पाए, आते ही अपना विकेट गवा गए थे। गोल्डन डक यहाँ लौटना होगा ना, अब हम आचंग को कट करना चाहते थे मगर बल्ले पे अच्छा संपर्क नहीं, इसी के चलते सीधा फील्डर के हाथों। और इसी के साथ 4 विकेट मिला पान्योर टाइटंस को। लगातार यहाँ विकेट का पतंग, हैट्रिक का
निशांत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं अब तक अपना तीसरा ओवर लेके आए थे। तीसरा ओवर का दूसरा गेंद में ही दो विकेट मिला। टीएनसी तसर आए हैं। जी हाँ, कट किया पॉइंट की दिशा पर फील्डर तैनात, कोई रन नहीं। सीधा खेला है, फील्डर मौजूद जरूर थे मगर बहुत ही खराब फील्डिंग। यहाँ आसानी से चार रन दे देते, इस तरह की फील्डिंग नहीं कर सकते, रन रोकना होगा आपको। बहुत ही सीधा खेला गया शॉट, मगर अच्छा शॉट जरूर मगर उतने ही खराब फील्डिंग का नजारा। कट कर दिया है फील्डर के हाथों, कोई रन नहीं। चार रन के साथ ही अंशिता सर ने भी अपना खाता खोला। सीधा खेला, आसानी से एक रन मिलेंगे और इसी एक रन के साथ ओवर की समाप्ति। 16 ओवर हैज बीन कंप्लीट, स्कोर मूव्स ऑन 151, लॉस्ट ऑफ 4 विकेट। तो को तरह आए हैं, अपना आखिरी ओवर डालेंगे। 32 रन देकर एक विकेट चटकाए अब तक, इस अपना आखिरी ओवर किस तरह से डालेंगे ये देखना बहुत ही रोमांचक होगा। ड्राइव खेला है, आसानी से एक रन मिलेंगे। इस बार थर्ड मैन मौजूद नहीं, इसी के चलते चार रन मिलेंगे। शॉट लगाना चाहते थे नाबम टेम्पल मगर तो पेज लगा विकेट कीपर के पीछे से चार रन। सीधा खेल दिया है गोली के रफ्तार से, गेंद गैप पे खेला, सीमा रेखा के बाहर, चार रन। अच्छा शॉट, बेहतरीन शॉट इस बार। नाबम टेम्पल जानते हैं अब रनों की गति को बढ़ाना होगा। 40 रन पहुंच चुके हैं नाबम टेम्पल। इस बार अच्छा गेंद, अच्छी कमबैक तो कोतारक। जी हाँ, सीधा खेला,
दो रन की मांग की है, देखना होगा, जोखिम भरा हो सकता है मगर आसानी से चुराने में कामयाब हुए। अच्छी रनिंग बिटवीन दी हुई थी यहाँ दोनों ही बल्लेबाजी के बीच। इसके साथ ओवर की समाप्ति, अफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 17 ओवर स्कोर मूव्स ऑन 162, लॉस्ट ऑफ 4 विकेट। हॉर्नबिल T20 ट्रॉफी का दूसरा दिन का पहला मैच, परे टोर्नेडोस वर्सेस पंजाब टाइटंस के बीच, पावर्ड बाय पवेलियन एंड इवेंट पार्टनर फ्रोवो। इस मैच को आप घर बैठे बैठे लाइव पवेलियन टीवी पे आनंद उठा सकते हैं, यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल होंगे, और लाइव स्कोर कार्ड को आप ट्रैक कर सकते हैं pavilionplay.com पे। अपना आखिरी ओवर डालेंगे निशांत, 19 रन दे चुके हैं 1 विकेट छक्का के। जी हाँ, आसानी से 1 रन मिलेंगे। नवम टेम्पल का स्ट्राइक पे होना बहुत ही जरूरी इस समय। 28 बॉल्स का सामना करके 42 रन बना चुके हैं। स्ट्राइक रेट 180 का। इस बार करेक्शन अच्छा नहीं, फील्डर मौजूद मगर कैच का मौका जरूर बना, मगर बाल बाल बचे। यहां नाबम टेम्पल गेंद हवा में जरूर थे, कैच का भी मौका बना मगर आसान से लपक सकते थे। सेट बैट्समैन को आप इस तरह की खींच नहीं छोड़ सकते। अब केवल 6 रन दूर नाबम टेम्पल अपना अर्धशतक से। कट करना चाहते थे मगर बल्ले और गेंद में कहीं संपर्क नहीं। अच्छा गेंद, इस बार गली के ऊपर से खेलना चाहते थे नाबम टेम्पल। जानते हैं थर्ड मैन मौजूद नहीं, पूरा फायदा उठाना चाहते थे मगर बल्ले पे कहीं संपर्क नहीं। जी हाँ, खेल लिया है मगर फील्डर तैनात, आसानी से 1 रन चुराने में कामयाब हुए। अब स्ट्राइक पे TNC तसर, निशान का ये आखिरी ओवर अपना आखिरी। अपील जरूर, अपील जरूर, जी हाँ, आउट का इशारा। अपना दूसरा विकेट चटकाने में सफल हुए निशांत अपना आखिरी ओवर में। अच्छी गेंदबाजी की, TNC तसर को लौटना होगा। जी हाँ, इसी के साथ ही 18 ओवर की भी समाप्ति। यहाँ देखना होगा, जोरदार बल्ला जरूर चलाया मगर शायद तो पिच लगा और सीधा विकेट कीपर के हाथों।
18 over has been complete. Score moves on 166, lost of 5 wicket. Adnabam Temple strike pe Tana James. इस बार जी हाँ बहुत ही उछाल प्राप्त करने के कारण यहाँ वाइट का इशारा तना जेम्स तरह अपना आखिरी ओवर लेके आए हैं. महंगा साबित जरूर हुए इस बार फील्डर मौजूद. जी हाँ ताना जेम्स तरह को ये पहला विकेट मिला. नाम टेम्पल को लौटना होगा. 45 रन बना चुके थे, मात्र 5 रन दूर थे अपना अर्धशतक से, मगर लौटना होगा नवम टेम्पल को. हॉर्नबिल T20 ट्रॉफी का दूसरा दिन का पहला मैच पावर्ड बाय पवेलियन एंड इवेंट पार्टनर प्रोवो. इस मैच को आप घर बैठे बैठे भी लाइव आनंद उठा सकते हैं पवेलियन टीवी, जो कि यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल होंगे, और आप लाइव स्कोर कार्ड ट्रैक कर सकते हैं pavilionplay.com पे. तना बालूम आए हैं अब क्रीज पे, स्ट्राइक पे मौजूद धरा राहुल. खेल लिया है, एक रन जरूर मिलेंगे. तना बालूम स्ट्राइक पे देखना होगा. तना बालूम भी एक अच्छी खिलाड़ी है. यहाँ मिस रनअप के चलते तना जेम्स तरह अपना चौथा ओवर डाल रहे हैं. 40 रन दिए अब तक, एक विकेट चटका कर. महंगा रहा इस बार. जी हाँ, आसानी से एक रन चुराने में कामयाब हुए. एक दो रन निकलना होगा अगर 180 तक टारगेट सेट करना है तो. फ्रे तो नहीं दे उसको. अपील अपील जरूर देखना होगा. जबरदस्त अपील जरूर की मगर कोई इशारा नहीं. बार बार बल्ला चलाते हुए मगर बल्ले और गेंद में कहीं संपर्क नहीं. और इसके साथ 19वां ओवर की भी समाप्ति. आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 19 ओवर स्कोर मूव्स ऑन 169 रन, लॉस्ट ऑफ 6 विकेट.
हॉर्नबिल टी20 ट्रॉफी का दूसरा दिन का पहला मैच खेला जा रहा है परे टोर्नेडोस वर्सेस पंजाब टाइटंस के बीच। परे टोर्नेडोस ने टॉस जीतकर पहला बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पहला इनिंग नाबम इंडिया आए हैं, पहला इनिंग का आखिरी ओवर डालेंगे। आखिरी ओवर पहला इनिंग का ये नाबम इंडिया लेके आए। ताना भालुम बल्ला चलाया जोरदार मगर बल्ले में गेंद संपर्क नहीं। कल किसी उछाल समझ नहीं पाए ताना मालूम। अच्छी लैंड और लाइन में गेंदबाजी करते हुए अब तक अच्छी गेंदबाजी की विकेट चटका नहीं पाए, मगर नाबम इंडिया युवा खिलाड़ी है कदमों का इस्तेमाल इस बार भी बल्ले पे संपर्क नहीं। अच्छी गेंद बार बार दोत गेंद निकलने में कामयाब नाबम इंडिया। कोशिश लगातार तना बालूम का बार बार जानते हैं आखिरी ओवर है चौके और चक्के लगाना चाहते हैं मगर बल्ले और गेंद में कहीं संपर्क नहीं। इस बार गली के ऊपर से 4 रन मिलेंगे। जानते हैं तना बालूम थर्ड मैन मौजूद नहीं तो 4 रन निकलने में कामयाब हुए। इस बार भी कदमों का इस्तेमाल मगर फिर से बल्ले पे संपर्क नहीं। स्लोअर गेंद इस बार चकमा दिया दरे की धोता तो यहाँ कुछ भी हो सकता था मगर 2 रन चुराने में कामयाब हुए और इसी 2 रन के साथ पहला इनिंग की या शायद हर किसी पहला इनिंग की समाप्ति इसी 2 रन के साथ 175 रन बनाए परे टोर्नेडोस। टारगेट रहेगा 176 का। पंजाब टाइटंस को चाहिए होगा इस मैच को जीतने के लिए 176 रन इन 120 बॉल्स। मैं बता दूं हॉर्नबिल टी20 ट्रॉफी का दूसरा दिन का पहला मैच पावर्ड बाय पवेलियन एंड इवेंट पार्टनर प्रोवो और आप इस मैच को देख रहे हैं पवेलियन टीवी पे। हमारे देश में लोग सवाल बहुत करते हैं, कौन कहां क्यों कैसे, सवाल ही सवाल।
क्योंकि पूछोगे नहीं तो जानोगे कैसे, जानोगे नहीं तो पढ़ोगे कैसे। तो आप भी पढ़िए, सवाल कीजिए, प्रोवो पे कीजिए, क्योंकि देश का हर जवाब है प्रोवो पर। तो आप भी कीजिए डाउनलोड। जोखिम
76 रन्स इन 120 बॉल्स। सलामी बल्लेबाजी के रूप में आए हैं तेशितिकु। इस बार पहला ही गेंद पुल करने की कोशिश, मगर गेंद तोड़ दिल के हवा में जरूर, मगर बिल्डर तैनात नहीं, मात्र एक रन मिलेंगे। इसी एक रन के साथ अपना खाता खोला सिद्दीकु ने। नवम टेम्पल पहला ओवर डाल रहे हैं। स्ट्राइक पे आए हैं संगबाम लोमा। अच्छा गेंद अंदर डाली गई, मगर एक रन चुराने में कामयाब हुए। पुल किया बिल्डर तैनात, शानदार फील्डिंग यहाँ, आसानी से रोक लिया। पुल किया, अच्छी फील्डिंग, जबरदस्त फील्डिंग, नजारा। इस बार ड्राइव लगाना चाहते थे, मगर अच्छी गेंद। तीन रन आ चुके हैं दूसरा इनिंग का पहला ओवर। नाबम टेम्पल, बल्ला जबरदस्त बल्ला चलाया जरूर, मगर बल्ले और गेंद में कहीं संपर्क नहीं। संगम लोमा शायद रिस्ट्रिक्शंस ओवर का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं। इस बार भी कदमों का इस्तेमाल की, मगर जोरदार अपील भी, कोई इशारा नहीं। और इसी के साथ ही पहला ओवर की भी समाप्ति। वन ओवर हैज बीन कंप्लीट, स्कोर मूव्स ऑन 3 रन, लॉस्ट ऑफ 0 विकेट। पुलटोस यहाँ स्वीप लगाना चाहते थे तेशितिकु।
राहुल आए हैं गेंदबाजी करने, अपना पहला ओवर डाल रहे हैं। इस बार भी दूसरा ही ओवर पे स्पिनर्स लेके आए हैं। फील्डर के हाथ तो जरूर, मगर आसानी से एक रन चुरा लेंगे। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, दोनों बल्लेबाजी के बीच में। इस बार उतार दिया है मगर फील्डर तेहराद, जी हाँ गलती नहीं करेंगे, और उसके साथ पहला विकेट मिला। पर तोड़ने दो उसको, संभव लोमा को लौटना होगा। राहुल को भी अपना पहला विकेट मिला। अच्छी गेंदबाजी की दिया है मगर फील्डर स्पिनर्स लेके आए हैं। पर तोड़ने दो, इस बार उतार दियो। लोगों ने कर खेलना चाहते थे मगर बल्ले पे सही संपर्क नहीं। इस बार उतार दिया है मगर फील्डर या दो दुम आए हैं क्रीज पे। संभव लोमा के लौटने के बाद हल्के हाथों से खेल दिया। कट कर दिया है पॉइंट की दिशा में, आसानी से एक रन चुराने में कामयाब, और इसी एक रन के साथ ओवर की भी समाप्ति। टू ओवर हैज बीन कंप्लीट, स्कोर मूव्स ऑन। नवम टेम्पो लाए फिर से अपना दूसरा ओवर लेके। अच्छी गेंदबाजी की, मात्र 3 रन दिए अब तक। सामना करेंगे याब दोदुम। इस बार खेल लिया है पॉइंट के दिशा में, सीमा रखे के बाहर 4 रन। बेहतरीन शॉट इस बार, अच्छा कनेक्शन। हल्की सी रूम मिया मिला और पूरा फायदा उठाया याब दोदुम ने। बांदरिश में तकदील की, और यहाँ टर्नमेंट की दिशा में 1 रन मिलेंगे। जी हाँ सेकेंड स्लिप फर्स्ट स्लिप तैनात नहीं, इसी के चलते आसानी से 1 रन।
इस बार सीधा फील्डर के हाथों, मगर कैच पकड़ नहीं पाए, लपक नहीं पाए। बाल बाल बचे तीकू। जी हाँ, गलत, बहुत ही खराब फील्डिंग, आसान से कैच लपक सकते थे। अच्छी गेंद, इस बार अच्छी गेंदबाजी करते हुए नाबुम टेम्पल। परे टोर्नेडोस वर्सेस पंजर टाइटंस के बीच दूसरा दिन का पहला मैच। खेला है इस बार कवर्स की दिशा में, आसानी से दो रन चुराने में कामयाब हुए। दो रन के साथ तीसरा ओवर की भी समाप्ति। अब 30 कंप्लीशन ऑफ 3 ओवर, स्कोर मूव्स ऑन 13 रन, लॉस्ट द 1 विकेट। परे टोर्नेडोस ने पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला की, 176 का टारगेट सेट करने में कामयाब हुए। पंजर टाइटंस को इस मैच को जीतने के लिए चाहिए 163 रन इन 102 बॉल्स कदमों का इस्तेमाल के साथ इस बार, मगर अच्छा कनेक्शन नहीं, एक रन जरूर मिलेंगे। कट करना चाहते थे मगर बल्ले पे संपर्क नहीं। राहुल अब तक अच्छी गेंदबाजी की, मात्र 3 रन दिए, एक विकेट भी चटका चुके हैं। पॉइंट की दिशा पर खेला, एक रन के लिए भागना चाहते थे मगर मना कर दिया। जोखिम भरा रन होता अगर भागते तो। इस बार कनेक्शन बेहतर, मगर फील्डर मौजूद थे, एक रन मिलेंगे। सीधा खेला है फील्डर के बीचों बीच, सीमा रेखा के बाहर, 4 रन, अच्छा शॉट। इस बार तिशी तिकू के बल्ले से, टीम के कप्तान है, एक अच्छी पारी की जरूरत। कोटेन बॉल का भी चांस जरूर बना मगर बहुत ही तेज रफ्तार से, गोली की रफ्तार से गई, चू भी नहीं पाए राहुल। कट किया मगर फील्डर तैनात, कोई रन नहीं, और इसी के साथ ही ओवर की भी समाप्ति। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 4 ओवर, स्कोर मूव्स ऑन 19 रन, लॉस्ट ऑफ 1 विकेट। नाबम टेम्पल अपना तीसरा ओवर डाल रहे हैं, अच्छी गेंद, समझ नहीं पाई अब दो दूं। हॉर्नबिल टी20 ट्रॉफी का दूसरा दिन का पहला मैच
परेतो ने नो वर्सेस पंजुर टाइटन पावर्ड बाय पवेलियन एंड इवेंट पार्टनर प्रोबो। यू आर वाचिंग लाइव ऑन पवेलियन टीवी यूट्यूब चैनल। कल के हाथों से खेला, जी हाँ, एक रन की मांग, ये जोखिम भरा, ये हाँ तेरे खित, जी हाँ, देखना होगा तर्द अंपायर की ओर इशारा किया, देखना होगा, चेक करेंगे तर्द अंपायर। बहुत ही जोखिम भरा रन, भागना नहीं चाहिए था, देखना होगा, रिव्यू चेक करेंगे। जी हाँ, डायरेक्ट हिट, जी हाँ, यहाँ डायरेक्ट हिट, आउट का इशारा तार्द अंपायर द्वारा। इसके साथ दूसरा विकेट मिला पंजाब टाइटंस को। मैं भी चाहूंगा परे तोड़ने दो उसको। पंजाब टाइटंस को इस मैच को जीतने के लिए चाहिए 157 रन इन 95 बॉल्स। यह अब दो दम के आउट होने के बाद अब आए हैं तिची सोनम। अनुभव की कमी नहीं तिची सोनम के साथ। अच्छी गेंद, इस बार अंदर आती हुई गेंद, तिकू समझ नहीं पाए। स्ट्राइक पे आएंगे आप तिची सोनम। हॉर्नबिल T20 ट्रॉफी का कल पहला मैच खेला गया था पापुम रॉयल वर्सेस पोमा ट्राइडेंट्स के बीच। पहला दिन का पहला मैच को जीता पापुम रॉयल्स ने 12 रन से, और आज दूसरा दिन का दूसरा मैच खेला जा रहा है परे टोर्नेडोस वर्सेस पंजाब टाइटंस के बीच। बैकफुट पे जाके पॉइंट की दिशा पर खेला, एक रन मिलेंगे, देखना जरूरी। दूसरा दिन का दूसरा मैच का विजेता कौन सा टीम होंगे। पंजाब टाइटंस को इस मैच को जीतने के लिए चाहिए 157 रन इन 93 बॉल्स। कदमों का इस्तेमाल किया, आउटफील्ड वो काफी स्लो, मगर 4 रन जरूर मिलेंगे। सीटी को जानते हैं रेस्ट्रिक्शंस ओवर चल रहा है, तो पूरा लाभ उठाना चाहते हैं। इस बार अच्छी गेंद कट करना चाहते थे, मगर बल्ले पे संपर्क नहीं। और इसी दौड़ गेंद के साथ ही ओवर की भी समाप्ति।
After the completion of 5 over, score moves on 25 run. राहुल फिर से डालेंगे अपना तीसरा ओवर। वाह, इस बार यहाँ दिशाइन व्हाइट का इशारा। इस बार उतार दिया है। जी हाँ, सीमा रेखा के बाहर चेरन। जी सोनम के बल्ले से ये बेहतरीन शॉट। इस बार भी जी हाँ, कवर्स की दिशा में चार रन मिलेंगे। तिची सोनम जानते हैं रेस्ट्रिक्शंस ओवर का, या आखिरी ओवर पूरा लाभ उठाएंगे तिची सोनम। अच्छा शॉट, बेहतरीन शॉट यह, अच्छा कनेक्शन के साथ। इस बार सीधा फील्डर के हाथों, गलती नहीं करेंगे। टीएनसी तसर मौजूद और इसी के साथ तीसरा विकेट यहाँ पंजाब टाइटंस ने गवाया। तिची सोनम यहाँ रेस्ट्रिक्शन ओवर का पूरा लाभ उठाने की कोशिश में अपना विकेट गवा बैठे। पर तोने दोस्त को ये तीसरा विकेट मिला। अब पर पंजाब टाइटंस को चाहिए 140 रन्स इन 88 बॉल्स। ये बैक फुट पे जाके उठाकर खेलना चाहते थे, मगर बल्ले पे अच्छा कनेक्शन नहीं, सीधा फील्डर के हाथों मार बैठे। अब क्रीज पे आए हैं सुमन। इस बार भी सीधा फील्डर गया तो मार बैठे यहाँ लगातार विकेट का पतंग। राहुल को ये अपना तीसरा विकेट मिला। अच्छी गेंदबाजी की, अब तक बैक टू बैक विकेट निकालने में कामयाब हुए अपने टीम के लिए। अच्छा गेंद यहाँ लोगों के दिशा पर खेलना चाहते थे उठाकर, मगर क्लियर नहीं कर पाए, सीधा फील्डर के हाथों। इसी के साथ पंजाब टाइटंस ने 30 अपना छोटा विकेट गवाया। यहाँ से देखना होगा किस तरह की बल्लेबाजी करेंगे पंजाब टाइटंस। हॉर्नबिल टी20 ट्रॉफी का दूसरा दिन का पहला मैच पावर्ड बाय पवेलियन एंड इवेंट पार्टनर वो। इस मैच को आप लाइव पवेलियन टीवी पे यूट्यूब पे देख सकते हैं। मैं बता दूं, परे टोर्नेडोस वर्सेस पंजाब टाइटंस के बीच खेला जा रहा है दूसरा दिन का पहला मैच।
परे टोर्नेडोस ने टॉस जीतकर पहला बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। अच्छी गेंद इस बार, जी हाँ अच्छी गेंद। दो विकेट चटका चुके हैं इस ओवर से। आप बैकफुट पे जाके डिफेंस कर दी और इसी के साथ ओवर की भी समाप्ति। सिक्स ओवर हैज बीन कंप्लीट। स्कोर मूव्स ऑन 36 रन, लॉस्ट ऑफ 4 विकेट। हॉर्नबिल T20 टूर्नामेंट का ट्रॉफी का दूसरा पहला मैच का पहला दिन का पहला मैच कल खेला गया था पपुम रॉयल वर्सेस पोमा चैलेंजर्स के बीच। पपुम रॉयल ने 12 रन से मैच को जीता। तो आज दूसरा दिन का पहला मैच का विजेता कौन सा टीम होंगे ये देखना बहुत ही जरूरी होगा। और आप इस मैच को मैं बता दूं, लाइव स्कोर कार्ड को ट्रैक कर सकते हैं pavilionplay.com में। अच्छा शॉट जरूर मगर फील्डर तैनात। दो रन की मांग, यहाँ कुछ भी हो सकता था। यहाँ जोखिम भरा रन कहूंगा। निशान तैयार नहीं थे दो रन के लिए। पॉल किनो आए हैं अपना पहला ओवर लेके। पंजाब टाइटंस को चाहिए 139 रन इन 83 बॉल्स। चार विकेट गवा चुके हैं पंजाब टाइटंस। देखना होगा यहाँ से किस तरह की कमबैक करेंगे। और ये 500 विकेट। सीधा फील्डर के हाथों यहाँ से बहुत ही मुश्किल पंजाब टाइटंस को के लिए कमबैक करने में। पार्टनरशिप ब्यूल नहीं, टीम कप्तान सलामी बल्लेबाजी के रूप में आए थे। अब तक क्रीज पे मौजूद 15 रन बना चुके हैं 13 गेंदों का सामना करके। नाबम इंडिया आए हैं अब बल्लेबाज करने के लिए। जी हाँ, डिजाइन गेंद, यहाँ वाइड का इशारा।
जबरदस्त बल्ला चलाया, चलाते हुए नाबम इंडिया बल्ले पे संपर्क नहीं। पहला इनिंग में हमने देखा अच्छी गेंदबाजी की थी नाबम इंडिया ने, अब देखना होगा किस तरह की बल्लेबाजी करेंगे। इस मैच को आप घर बैठे बैठे लाइव देख सकते हैं पवेलियन टीवी पे। उठा दिया है थोड़ी देर के लिए गेंद हवा में, मगर फील्डर तैनात नहीं। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं अब तक वोल्केनो, अपना पहला ओवर डाल रहे हैं। अब तक 3 रन दिए, 1 विकेट चटका कर खेल दिया है, मगर फील्डर तैनात, आसानी से 1 रन मिलेंगे। इस बार जी हाँ 2 रन भी चुराने में कामयाब हुए। इसी 2 रन के साथ ओवर की समाप्ति, 7 ओवर हैज बीन कंप्लीट, स्कोर मूव्स ऑन 41 रन, लॉस्ट ऑफ 5 विकेट। पंजाब टाइटंस को चाहिए 135 रन इन 78 बॉल। अब आए हैं टिची नेरी, अपना पहला ओवर डालेंगे। टिची देखो यहाँ जी हाँ 2 रन चुराने में कामयाब हुए। टिची नेरी ने अच्छी पारी खेला पिछले पहला इनिंग में, 86 रन बनाए। जानते हैं फील्डर में जहाँ मौजूद नहीं, जी हाँ देखना होगा तो डंपर चेक करेंगे, कुछ भी हो सकता है। जी हाँ पहुंच गए थे यहाँ, नॉट आउट का इशारा था अंपायर की ओर से। बेहतरीन शॉट यहाँ सीमा रेखा के बाहर, 6 रन, लंबा शॉट नाबम इंडिया के बल्ले से, शानदार कनेक्शन, स्लॉग स्वीप कर दिया है। अच्छी शॉट यहाँ, और इस बार तेज गति के साथ डाली गई गेंद।
जी हाँ, आसानी से 1 रन चुराने में कामयाब हुए। तो चिनेरी अब तक 11 रन दे चुके हैं। इस बार स्टंपिंग देखना होगा फिर से, तब दमपार की ओर रिव्यू चेक करेंगे। जी हाँ, आउट का इशारा।
बेहतरीन रन आउट नए बल्लेबाज के रूप में आए। नए बल्लेबाज के रूप में आए गोलोसेरा। जल्द ही 7 विकेट गवा दिया है पान्योर की टीम। और यहां पर कॉट बिहाइंड का अपील हो। जी हाँ, ये लगातार दूसरा विकेट गोलोसेरा। मात्र 2 बॉल का सामना करके पवेलियन वापस जाएंगे। और यहां पर पूरा पारेटोर्नाडोस की टीम हावी। आप देख सकते हैं काफी मोटा एज और विकेट कीपर नाबम हाचंग से कोई गलती नहीं। अच्छी गेंदबाजी, सटीक बाउंसर। गोलोसेरा पुल करना चाहते थे और साइड ग्लव्स पे लगकर सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में और विकेट कीपर हाचंग कोई गलती नहीं और अपना विकेट गवा दिया गोलोसेरा। गोलोसेरा के आउट होने के बाद ताकम नाबम ताकम आए हैं। अगर आप रिक्वायर रन रेट पर एक नज़र डालें तो आप देख सकते हैं 123 रन चाहिए 69 बॉल्स में। और अच्छी गेंद, पहला ही गेंद को अच्छी तरीके से खेला सीधा बल्ले के बीचों बीच से। यह देखना बहुत ही जरूरी क्योंकि लक्ष्य काफ़ी लंबा है। रिक्वायर रन रेट पर देखें तो 10.9। और इस बार भी बैकफुट जाके पंच कर दिया है। एक रन आसानी से चुराएंगे। जी हाँ, इसी के साथ नाबम ताकम ने अपना खाता भी खोला। तामहीना अब सामना करेंगे पोल का गेंद को। हाजी हाँ, दिशाइन गेंद। यह अंपायर्स का इशारा वाइड का और अतिरिक्त रन यह तमहीना और नाबम ताकम इस तरह से साझेदारी करते हैं, देखना बहुत ही जरूरी। और इस बार भी बैक ऑफ द गुड लेंथ से गेंदबाजी, सीधा जाकर उसके एब्स पे लगी गेंद और अच्छी गेंदबाजी। यहाँ पोल के ओर से कोई मौका नहीं बल्लेबाज के लिए। ओवर समाप्ति होने के बाद कप्तान खुद वापस आए गेंदबाजी के लिए तची नेरी। यहाँ एक ओवर 11 रन कंसीड किया और एक विकेट चटका चुके हैं। सामना करेंगे नाबम ताकम, 2 गेंदों का सामना कर चुके हैं 1 रन बना के नाबाद। यहाँ पे कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं ताकम।
और यहाँ जोरदार घुमाने का प्रयास। अच्छी गेंदबाजी, कोई मौका नहीं बल्लेबाज के लिए। हो यहाँ खरे खरे ही खेल दिया, पर शॉर्ट मिड विकेट की दिशा पे खिलाड़ी मौजूद, फिर से हाथों में मार बैठा, कोई रन नहीं। लगातार सटीक गेंदबाजी, तचिनेरी कप्तान के ओर से अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और परे तोर्नाडोस को जीतने के लिए मात्र 2 विकेट चाहिए। और यहां पर बाल बाल बचे, जी हाँ बाल बाल बचे गेंद तप्पे खाने के बाद। अच्छा टर्न मिला, उछाल भी प्राप्त हुआ। अब यहां देखे उछाल के चलते बाल बाल बचे। दस ओवर समाप्ति के बाद स्कोर 56 रन, 8 विकेट गवा चुके हैं पंजाब टाइटंस। और यहाँ पर कोई शॉट ऑफर नहीं किया, शायद ताई पर लगी गेंद। और फिर से पुल करना चाहते थे, करे करे अच्छी गेंदबाजी। पोल कीनो की ओर से ओ यार आसानी से हाथों में मार बैठा नाबम तकम, और इसी के साथ 9 विकेट। परे तो नादोज को जीतने के लिए मात्र 1 विकेट चाहिए। अच्छी गेंदबाजी यहां पोल की नो, आखिरी विकेट यहाँ तना जेम्स आए, अच्छी गेंदबाजी करते हैं, पर आज बल्ले से भी काम करना बहुत ही जरूरी क्योंकि लक्ष्य काफी बड़ा है। पोल कीनो यहाँ लगातार अच्छी गेंदबाजी करने के बाद काफी खराब गेंद, दिशाहीन गेंद और एकत्रित रन, जी आसानी से 1 रन, बल्ला भी चलाना नहीं पड़ा यहाँ तना जेम्स को। और यहां जोरदार कट करना चाहते थे और इस बार भी वाइड का इशारा, यहां शायद पोल कीनो अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं पर मुझे प्रेशर देखने को मिल रहा है क्योंकि काफी डिजाइन गेंद लगातार, और ये अच्छी गेंद या 1 रन लेना चाहते थे तम ही ना, पर सीधा फील्डर के हाथों, कोई रन नहीं।
यहाँ आसानी से चुराएंगे एक रन। करेंट रन रेट पर नज़र डाले तो 5.5। ओ अच्छी गेंद, जी हाँ। इसी के साथ वो ओवर की समाप्ति। अच्छी गेंदबाजी किया है पॉल कीनो ने। 3 ओवर डाले, मात्र 12 रन कंसीड किया और 3 विकेट भी चटकाए। टीम के लिए पायरेमन साबित होता हुआ पॉल कीनो। वो अच्छी गेंद, दूसरी इन से कप्तान आए, लगातार अटैक कर रहे हैं। और अगर देखे तो पन्नियूर टाइटंस पूरी तरह इस मैच में, और ये हवा में गेंद गली पॉइंट के बीच में, एक रन चुराएंगे आसानी से। तमहीना, यहाँ कप्तान चाहेंगे कि जल्द से जल्द विकेट चटकाए और अपनी टीम को पहला मैच में ही और ये जोरदार प्रहार। और जी हाँ, सीधा सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। जी हाँ, तना जेम्स के बारे में बात कर रहे थे, गेंदबाजी अच्छा करते हैं और पावर हिटर में से एक। जी हाँ, जोरदार घुमाया लॉन्ग ऑन की दिशा में, अच्छा प्रयास, पर इस बार अच्छी गेंदबाजी। इस बार कोई मौका नहीं। या पुल कर दिया है, TNC तसर मौजूद, एक रन आसानी से। और इसी के साथ ओवर की भी समाप्ति, 12 ओवर समाप्त हो चुके हैं। लक्ष्य काफी दूर अभी भी, ये आखिरी साझेदारी होंगे पानी और टाइटंस के, क्योंकि जो आधी टीम सभी वापस जा चुके हैं डगआउट की ओर। नाबम टेम्पल वापस आए गेंदबाजी के लिए, अच्छी गेंदबाजी की है, हालांकि विकेट नहीं मिला पर बॉलिंग इकोनॉमी काफी बेहतरीन। चाहेंगे कि इस साझेदारी को तोड़े और अपनी टीम को जीत दिलाए। तना जेम्स ऑन स्ट्राइक, और ये पुल कर दिया है गेंद। जी हाँ, बाल बाल बचे, खिलाड़ी मौजूद नहीं। बाउंसर का प्रयास किया, जोरदार घुमाया तना जेम्स, बाल बाल बचे।
पावर हिटिंग एबिलिटी रखते हैं तना जेम्स, पर सही संपर्क नहीं, इसी के चलते बाल बाल बचे। और टेम्पोल की भी अच्छी गेंद, अच्छी सूझबूझ, स्ट्राइक पर वापस आए तम ही ना। और इस बार ओ हल्की सी अपील की और अच्छी विकेट कीपिंग स्किल्स यहाँ देखने को मिल रहे हैं। और इसी के साथ आउट का इशारा, जी हाँ शायद संपर्क बल्ले के साथ, जी हाँ दस्तानों पे लगी और अच्छा खेच यहाँ, जी हाँ अच्छा खेच डाउनर लेग में जाके बॉल को आखिरी वक्त तक देखा और अच्छा कैच नाब महाजन के। और इसी के साथ परे तो ना दो, उसने इस मैच को जीत लिया है 107 रन से। हमारे देश में लोग सवाल बहुत करते हैं, कौन कहां क्यों कैसे, सवाल ही सवाल, क्योंकि पूछोगे नहीं तो जानोगे कैसे, जानोगे नहीं तो बढ़ोगे कैसे। तो आप भी बढ़िए, सवाल कीजिए प्रोवो पे कीजिए, क्योंकि देश का हर जवाब है प्रोवो पर। तो आप भी कीजिए डाउनलोड। पुल कर दिया है, फील्डर मौजूद नहीं। पुरतोस गेंद, इस बार भी गैप ढूंढने में कामयाब। चौथा गेंद यहां गैप में खेला, इस बार उतार दिया है। इस बार भी जी हां फील्डर तैनात नहीं, इस बार जोखिम भरा रन, कुछ भी हो सकता। अच्छी गेंद, इस बार उतार दिया है फील्डर के ऊपर से, हल्के हाथों से खेला, दो रन की मांग।
जी हाँ, यहाँ अपील इस बार सीधा अपील सीधा खेला है, फील्डर मौजूद जरूर थे मगर इस बार थर्ड सीधा खेल दिया है गोली के रफ्तार से। अपील जरा आउट का इशारा, इस बार फील्डर मौजूद। जी हाँ, इस बार गली के ऊपर से स्लोअर गेंद, इस बार उतार दिया है मगर फील्डर तेहरात विकेट मिला। इस बार खेल दिया है पॉइंट की दिशा में सीमा रखे के बाहर सीधा खेला है फील्डर के बीच। यूट्यूब चैनल हल्के हाथों से खेला, जी हाँ एक रन की मांग है जो कि बुराई हाल तेरे खित कदमों का इस्तेमाल किया, आउटफील्ड वो काफी स्लो इस बार उतार दिया है। जी हाँ सीमा रेखा के बाहर चेयर, इस बार भी जी हाँ कवर्स की दिशा में इस बार भी सीधा बेहतरीन शॉट यहाँ पांजोर की टीम। और यहाँ पर और ये जोरदार प्रहार, और इस बार ओ देखने को मिल रहे हैं
हेलो हमारे देश में लोग सवाल बहुत करते हैं, कौन कहां क्यों कैसे, सवाल ही सवाल, क्योंकि पूछोगे नहीं तो जानोगे, जानोगे नहीं तो पढ़ोगे कैसे। तो आप भी बढ़िए, सवाल कीजिए, प्रोवो पे कीजिए, क्योंकि देश का हर जवाब है प्रोवो पर। तो आप हेलो 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 Okay, so welcome to the post-match presentation of today's match. The match was played between Pare Tornadoes and Panyer Titans, where Pare Tornadoes won the toss and elected to bat first. Scored a mammoth target of 175 runs, loss of 6 wickets. And Panyer Titans scored 69 runs and lost all wickets. With this result, Pare Tornadoes won by 106 runs. First of all, I would like to call the losing captain, Panyer Titans captain, please. ओके, सभी का स्वागत करते हैं पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में।
और आज का मैच खेला गया था परे टोर्नाडोस बनाम पान्योर टाइटंस के बीच, और परे टोर्नाडोस जो कि टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और स्कोर बनाया 175 रन लॉस्ट ऑफ 6 विकेट, और उनका पीछा करता हुआ पान्योर टाइटंस मात्र 69 रन में ही ऑल आउट हो गए, और इसी के साथ परे टोर्नाडोस ने 106 रन से विजेता हासिल हुआ। और हमारे साथ इस वक्त इस मैच का मैच रेफरी तेची कागुंग जी और वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट क्रीना लोलेन और पापुम्परे डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के ट्रेजरर नाबम ताकर जी हमारे साथ है। और मैं पहला बुलाना चाहूँगा लूजिंग कप्तान तेसी तिकू जी आए। आज आप कतीम जो कि हार गए तो हालांकि आप नहीं जीता, तो अगर आप टॉस जीते तो कुछ इस मंच इस मैच में कुछ अलग रिजल्ट भी आ सकते थे, आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? दोस्तों देखो टॉस हम लोग फेवर में नहीं गया, पहली बार जीतता भी तो बैटिंग ही लेना था, पर टीम में थोड़ा कमी, ओपनर बैट्समैन नहीं है, स्पिनर नहीं है लोकल में, तो वही हम लोग के लिए इम्पेक्ट पर आप देख सकते हैं। सोनम दो ही सीनियर है, बाकी सब 19 या 23 का बच्चा लोग की। धन्यवाद, और मैं आपको विश करता हूँ नेक्स्ट मैच में आप अच्छे से खेलेगा। और पहले मैन ऑफ द मैच को नहीं बुलाने से पहले मैं विनिंग टीम के कप्तान को बुलाना चाहता हूँ, तची नेरी जी आप आए। जी तची नेरी जी, आपने अपना टीम को काफी लंबा लक्ष्य तक लेने में आप उसको काफी लिफ्ट अप करने में काफी मदद किया, आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? वेल टॉस जीतने के बाद हम लोग का बस वही सोच था कि एक कंफर्टेबल स्कोर हम लोग अचीव करें, तो मेरा प्लान बस वही था कि एक पावर प्ले में एक स्टार्ट मिलना है, उसके बाद उसको कंटिन्यू करना है, तो कोशिश किया था 20 ओवर तक खेलने के लिए, लेकिन हम नहीं कर पाए, 15 ओवर में आउट हो गया, तो वही था कि उसके बाद टेम्पल है, टेम्पल को हम दोनों बस पार्टनरशिप वही करना है और एक टारगेट अचीव करना है, वो हम लोग का बस प्लान था। ओके सो आपने काफ़ी बेहतरीन आज पारी भी खेला, तो आप एक धमाकेदार शुरुआत के बाद आप अपनी टीम को किस स्थिति में अभी देखते हैं? वेल आज पहला मैच था तो डिफिकल्ट तो था लीड करने में, क्योंकि बहुत सारा काफ़ी हम लोग एक साथ प्रैक्टिस भी नहीं किया था, बट एट द सेम टाइम उन लोग ने हम मुझे कॉन्फिडेंस दिखाया, जिसको जिसको भरोसा किया, बैटिंग में भी हमको कॉन्फिडेंस दिखाया, और साथ ही साथ जैसे ही चेंज बॉलिंग किया वो बॉलर लोग भी हमको कॉन्फिडेंस दिखाया, तो ये मैच में हम लोग जैसा खेला अगर आगे हम लोग ऐसा खेलते रहे जरूर हम लोग नॉकआउट तक पहुंचने के लिए कोशिश करेंगे। जी हाँ, जितने रिमेनिंग मैचेस हैं मैं आपको ऑल द बेस्ट विश करता हूँ। और अभी समय हो चला है इस मैच का, मैन ऑफ द मैच का, जिन्होंने 51 बॉल्स में 87 रन्स बनाए विद स्ट्राइक रेट ऑफ 170.6 और ओवर बोल्ड किया 3 ओवर और रन कंसीड किया मात्र 19 रन, एक विकेट चटका है और इकोनॉमी 6.3 के साथ ही इज नन अदर देन कैप्टन ऑफ परे टोर्नाडोस तची नेरी। प्लीज रिसीव चेक ऑफ रुपीज 1000 from West Yang District Cricket Association President Kinya Lonen and extra power drink from the treasurer of Papumpare District Cricket Association Nabam Thakur. So thank you very much. Yahi samapt hota hai aaj ka post match presentation. हमारे देश में लोग सवाल बहुत करते हैं, कौन, कहां, क्यों, कैसे, सवाल ही सवाल, क्योंकि पूछोगे नहीं तो जानोगे कैसे, जानोगे नहीं तो पढ़ोगे कैसे, तो आप भी बढ़िए सवाल कीजिए, प्रोवो पे कीजिए, क्योंकि देश का हर जवाब है प्रोवो पर, तो आप भी कीजिए डाउनलोड।